जब जब बहार आए। इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, स्टोरी में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। भैया सीप के मोती को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मीलों समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसा मोती हाथ लगता है। लेकिन जब यह मोती हाथ लगता है ना, तो वो सारी मेहनत सारी परेशानी कम लगती है। क्या बात है, फोटो देख के तुम शायर बन गए। जब आमने सामने मिलोगे तब क्या करोगे? गुड, यही जज्बा रहना चाहिए, मोती जरूर हासिल होगा। यह मोती मिलेगा जब आएगा। वैसे कहाँ है भाई? थोड़ा सब्र रखो, नीलू गई है ना लाने के लिए। बाहर आकर देख तो ले, अगर वो विकी से किसी भी हालत में काम हुआ ना, तो मैं तेरी शादी उससे नहीं कराऊंगी। टीना, टीना, एक बात कान खोल कर सुन, तेरी शादी आदित्य के साथ ही, और ये बात तू जितनी अच्छी तरह और जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा तेरे लिए। मैंने सुना है कि कभी कभी किसी किसी का जहाज भटक जाता है और फिर महीनों महीनों समंदर में ही रहता है। जहाज में इतने दिनों का खाना पानी रहता है क्या? से मेरा जहाज तो आज तक भटका नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो डिपेंड करता है कि जहाज कितने दिन पहले किसी बंदरगाह पे नहीं गया। एकाध महीने का एक्स्ट्रा सब कुछ तो रहता ही है हमारे पास, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फिर आदमी क्या करेगा, मर जाएगा? अरे नहीं भैया, शिप पे जाने से पहले हमें इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर खाना खत्म हो भी जाए तो सी फूड के सारे हम सालों जिंदा रह सकते हैं। पर उसे भी पकाने के लिए आग की जरूरत तो पड़ेगी। जब भूख लगती है भैया तो फिर कच्चा पक्का कौन देखता है। कुछ ज्यादा ही तैयारियां चल रही हैं। तुम एक काम करो, यहीं बैठो, मैं जरा देख के आता हूं। हाँ। क्या हुआ मम्मी जी? वही पुराना नाटक, सिर पकड़ के बैठी हुई है। टीना, टीना मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो एक बार आदित्य से मिल लो, अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम जैसा डिसाइड करोगी वैसा ही होगा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। टीना प्लीज बाहर आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी, दरवाजा तोड़ दो। भाई आप क्या कह रही हैं? बाहर आदित्य बैठा है, तमाशा हो जाएगा। अगर ये बाहर नहीं आए तो इससे ज्यादा बड़ा तमाशा हो जाएगा। अरे बहस मत करो, तोड़ दो दरवाजा।
मत तोड़िए दरवाजा। वो एक्चुअली शादी के नाम से थोड़ा घबरा रही है बस। वो आजकल की लड़कियां ना, उन्हें पढ़ाई का इतना शौक है, अब तुम शादी के बाद उसे पढ़ने दोगे ना? किताबें थोड़ी पढ़ोगे? ये कि समझती नहीं। अगर वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कोई जबरदस्ती मत कीजिए। उन्हें सोचने दीजिए और आराम करने दीजिए। मुझे भी कोई जल्दी नहीं। चलिए हम बाहर चलते हैं। आदित्य बेटा, मैं उसकी बात मान भी लेती, लेकिन इतने अच्छे लड़के रोज रोज थोड़ा ना मिलते हैं। और फिर एक ना एक दिन उसकी शादी करनी ही है, तो हीरे जैसा लड़का हमारे साथ है, तो उसे हम हाथ से क्यों जाने दें? मम्मी जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपकी तो गलती भी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं समझ सकता हूँ। वैसे सुकेश भैया ने मुझे थोड़े हिंट्स दिए थे, सो इट्स अंडरस्टूड। और मम्मी जी, एक बात बताऊं, मुझे टीना पसंद है। लेकिन मैं उससे शादी तभी करूंगा जब वो मुझे पसंद करने लगी और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और हाँ, उसे रजामंद करने की जिम्मेदारी अब से मेरी। इसके लिए ना ही तो आपको कुछ करने की जरूरत है, ना ही सुकेश भैया को। ये कहकर तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया है। तुम टीना के साथ शादी करो, मुझे बहुत खुशी होगी। मम्मी जी, मैंने कहा ना, मुझे टीना पसंद है, और अब तक तो वो मुझे मिली भी नहीं है। तो जब तक वो मुझे नहीं मिलती, तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। वैसे भी मुंबई पोर्ट में मैं एक महीना और हूं, तो आना जाना लगा रहेगा। और उसी आने जाने में आदित्य टीना को भी समझा लेगा। अच्छा मम्मी जी, मैं चलता हूं। अरे तुम खाना तो खा के जाओ ना आदित्य। नहीं मम्मी, अब तो टीना के साथ बैठ के ही खाऊंगा। मम्मी जी, मैं इसे स्टॉप करके आता हूँ। भैया आप यहीं रहिए, और आज से मेरे साथ कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबू जी, नमस्ते। बाय बाय। मम्मी जी, कैसा लगा? सुकेश इसे कहते हैं लड़का। टीना के साथ अगर इसकी शादी हो गई तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। एक ये लड़का है जो कुछ बनने के बाद शादी के लिए हाँ कर रहा है, और एक वो विक्की, ना काम का ना काज का। मम्मी जी, कहाँ ये आदित्य और कहाँ वो विक्की मेहरा, गुंडे मवाली। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों टीना की मर्जी के खिलाफ? नीलू, आदित्य ने कहा ना कि टीना की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करेगा। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिखा के दूं? अच्छा हुआ सुकेश कि मुझे एक अच्छा दामाद घर बैठे बैठे मिल गया, तुम्हारे जैसा। मम्मी जी, अब आप ये सब छोड़िए और नए रिश्ते की बधाई कबूल कीजिए। हाँ, सो तो है।
किड्स रख लिए हैं, बैग पैक हो गया है और क्या हुआ मनीष? तुम रो रहे हो, बोलो क्या हुआ? क्या बोलूं मैं तुमसे? शाका सब कुछ खत्म, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं ये रास्ता मुझसे सब कुछ लेने वाला, मेरा सब कुछ खत्म करने वाला, सब कुछ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कहने दो शाका, अगर आज ये बातें मैं तुमसे नहीं कहूं और अगर तुम नहीं भी होती तब भी ये बातें मैं कहता, इन दीवारों से कहता, इन हवाओं से कहता, क्योंकि अगर ये बातें आज मैं अपने सीने से नहीं निकालूंगा तो जिंदगी भर में एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा। जानती हो विशाखा, आज मैं जिस भी रास्ते पर चला हूं एक डर सा मेरे सीने में, हर एक कदम पर मैं डरा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, पर हां मैं इतना जरूर जानता कि जो इंसान डर के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है वो जीवन का सबसे अभागा इंसान होता है, और वो इंसान आज मैं हूं। मैं वो अभागा इंसान हूं। मेरे बच्चे जिनसे मैं इतना प्यार करता हूं, जब जब ये ख्याल मेरे जहन में आता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों से दूर चला जाऊं, बच्चों से जिनके लिए मैंने ये सब कुछ किया, जो मुझे अपना बाप मानते, जिसकी तस्वीर वो अपने सीने में लिए बैठे, वो अपने इस बाप से कितनी नफरत करेंगे, उनका बाप किस रास्ते पर चल पड़े कितनी नफरत करेंगे। मनीष सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा? जिस रास्ते पर मैं चला हूं इसमें सब कुछ बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद। हमने कोशिश तो की ना, और मुझे पता है तुम बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर बच्चे घर में आएंगे तो मैं मां बनकर उनकी देखभाल करूंगी, उनको पालूंगी। कहते हैं ऊपर वाले से जब सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो जरूर देता है। जब जब बहार आए। कहते हैं ऊपर वाले से जब सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो जरूर देता है। विशाखा, लगता है भगवान मुझसे ज्यादा तुम पर मेहरबान है। या फिर तुम्हारे प्यार में मुझसे ज्यादा शिद्दत है। इसीलिए तो देखो ना, तुमने मनीष मुझसे छीन लिया। सॉरी, जीत लिया। हाँ विशाखा, तुम जीत गई प्यार में, जुनून में।
आज ही तुम मुझसे जीत गई। अब तुमने मेरा पति तो मुझसे छीन ही लिया है, जीत लिया है। आज मैं उसके बच्चे भी तुम्हें सौंपने आई हूं। चिंटो, माधवी, विशाखा, आज से चिंटू और माधवी तुम्हारे साथ यानी अपने पापा के घर पर रहेंगे और तुम बनकर रहोगी इनकी मम्मी। ना ना मनीष, ये मैं अपने पूरे होश और हवास में कह रही हूं। तुम्हें इंडिया छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देखना चाहती। चिंटू माधवी, ये है आज से तुम्हारा नया घर। और बेटा, वो है तुम्हारे पापा जिनके लिए तुम हमेशा तड़पते थे। आज से तुम इसी घर में रहोगी। और बेटा, ये है तुम्हारी नई मम्मी। जाओ बेटा, अपनी नई मम्मी के पास जाओ। पापा, आप मम्मी को भी यहाँ पर रख लो ना। जब जब बहार आए, पापा, आप मम्मी को भी यहाँ पर रख लो ना। बेटा, अभी मम्मी ने कहा ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। मैं तुम्हारी नई मम्मी हूं। क्यों काम्या, सही कहा ना मैंने? कि तुमने बच्चों को यहां पर अपने आने जाने का रास्ता तो नहीं बनाया? तुम दोनों ने प्रॉमिस किया है ना कि तुम दोनों ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे मम्मी और पापा में और ज्यादा टेंशन हो जाए। हाँ। कमें क्या कर? प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम दोनों कभी मुझे फोन करने की कोशिश नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। हाँ मम्मी, प्रॉमिस। देखा विशाखा, ये है मेरे बच्चे और ये है इनके संस्कार। मैं भी तुमसे एक वादा करती हूं कि
कि मैं इनसे मिलने या तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगी। जब तक कि तुम ना बुलाओ नौबत कभी नहीं आई।